favor. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई विश आप लोग घर पे ठीक रहेंगे, अच्छे से होंगे। कल हमने बेटा आपको क्या करवाया था? कल मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। आज हम फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर हम एक लॉग का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि याद रखना क्वेश्चन मिक्स टाइप के आते हैं, कभी पार्शियल फ्रैक्शन का आ जाता है, कभी लॉग का। पर दोनों में आपको बस ये ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोगों को लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में है एस प्लस वन और एस माइनस वन। मतलब आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, आज भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ कि इनवर्स लैप्लास हो या डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो डायरेक्ट नहीं लगता किसी क्वेश्चन में, वो तभी अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी पार्ट में या किसी भी इक्वेशन में, जब हमारा क्वेश्चन उस लायक बन जाता है, मतलब आपको वहाँ तक उसको सेट करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन किसमें दिया है? एस में। तो हम क्या करेंगे, गिवन, क्योंकि गिवन मतलब अपने गिवन फंक्शन को किसके इक्वल ऐड करेंगे? एफ ऑफ एस के। हमने क्या किया, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एस के इक्वल ऐड किया, उसको इक्वेशन नंबर वन नाम दिया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, वी नो दैट बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वी नो दैट एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये हमको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी होता है। तो हमने फॉर्मूला उतारा, फॉर्मूला उतारने के बाद अपने क्वेश्चन को उतारा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कभी लॉग की टर्म्स जुड़ी हो किसी भी इक्वेशन में, तो डायरेक्ट लॉग को अपन को अप्लाई करना है, उससे पहले अपन कोई और फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। लॉग एम अपॉन एम, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया उसको उतार लिया, लॉग एम अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग एम माइनस का लॉग एम। तो हमको ये वाला फॉर्मूला अपने इस वाले इक्वेशन में लगाना है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस आपका ऐसे ही रहेगा, ये हो गया आपका लॉग एम माइनस लॉग एन। तो हमने अपनी इक्वेशन नंबर वन में लॉग के एम अपॉन एन का फॉर्मूला यूज करके हमने अपनी इक्वेशन नंबर टू बना ली। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू को आप ध्यान से देखिए, ये एफ ऑफ एस है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू को दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर टू विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एस ऐसे ही रहेगा, इसके आगे क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी एस, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एस हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए दो पार्ट है, तो ये लॉग टी का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन टी, तो ये हो गया लॉग टी मतलब वन अपॉन टी माइनस लॉग टी अपॉन मतलब वन अपॉन टी। तो हमने ये दोनों डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लिए। अब याद रखना, जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको पहले भी इस टाइप का करवा चुका हूँ। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको अपनी इक्वेशन को एज इट इज ऐसे ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी उतारी। अगर किसी भी फंक्शन के साथ में टी मल्टीप्लाई हो और उसके आगे एन लगा हो, तो दिस इज अ कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मैंने अपने डिफरेंशियल वाले पार्ट को एज इट इज ऐसे ही रखा। अब मैंने एक और नया फॉर्मूला उतारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का, उसको पूरा कंप्लीट उतारेंगे। याद रखना, ये उतारने का मेन रीज़न ये कि जो आपने अपने आंसर को डिफरेंशिएट करके रखा है, उस पार्ट को उठा के हमको इस इक्वेशन के अंदर रखना है, तो उसको हमने वहीं छोड़ा। हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला उतारा। अब कंप्लीट फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए, मैंने कहाँ पुटिंग करी, यहाँ पर जो मैं सर्किल बना रही हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ से डाटा पुट करना है, मतलब d अपॉन डी एस इंटू एफ ऑफ एस की जगह पे मुझे वन अपॉन एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस माइनस वन क्या करना है, पुट करना है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को पूरा कंप्लीट उतारा, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पर इतने पार्ट को मैंने अपने आंसर को रख दिया, ये हो गया। अब आपको पता है कि अगर किसी भी इक्वेशन के आगे माइनस साइन लगाओ, उसका मतलब क्या होता है कि अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन, वन अपॉन एस माइनस वन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, अब मेरी नई इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये एल है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये एल इनवर्स बन जाएगा। वी नो दैट लेफ्ट हैंड पार्ट में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहती है, और अगर मैं इसको राइट हैंड वाले पार्ट में शिफ्ट करती हूँ तो वो क्या हो जाती है, आपकी इनवर्स हो जाती है। तो ये अपन को क्या बचेगा, यहाँ से टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल को यहाँ ट्रांसफर किया, तो ये हो गया एल इनवर्स, बाकी इक्वेशन को अपन ने एज इट इज उतारा। अब आपको पता है कि अगर किसी भी फंक्शन के आगे एल इनवर्स लग जाता है, दिस इज कॉल्ड द
इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो आपको अंदर वाले दोनों पार्ट का इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म याद होना चाहिए। क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एल इन्वर्स 1/s - a, इसका इन्वर्स क्या होता है e, अगर s माइनस a है तो ऊपर क्या हो जाएगा e की पावर a t। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला एल इन्वर्स 1/s + a, इसका क्या होता है e की पावर माइनस b t। ये हो गया इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले। इन दोनों पे अपन ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो e की पावर t, माइनस s प्लस 1 है तो e की पावर माइनस b। ये मैंने किसका आंसर निकाला, t डॉट f ऑफ t का। अब मैं क्या करूँगी, मुझे f ऑफ t लीनियर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ से f ऑफ t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ t को एज इट इज रखेंगे, t को फिर हमने शिफ्ट किया, तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई आपकी e की पावर t माइनस e की पावर माइनस b डिवाइड बाई t। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आपको s में दिया है तो आपका आंसर किसमें आ गया, t में। यही होता है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। लास्ट में एक और लाइन लिखेंगे, वी अगेन नो दैट L inverse f of s is equal to f of t, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला देखिए, चाहे तो आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, अगर आपको पता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में इनके कॉस साइन के फॉर्मूले पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन t इज इक्वल टू 2 sin h थीटा। अगर आपको ये याद है तो आप इसको जरूर यूज करेंगे, तो लास्ट में जो आपका आंसर बन के आएगा वो ये बन जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स वहाँ तक भी सॉल्व करने पे मिल जाएंगे। अगर एक्सपोनेंशियल का आपको ट्रांजेक्शन नहीं याद होता है, साइन या कॉस का, तो आप प्लीज उसको यहीं तक स्टॉप करिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो आप उसको यहाँ पर। फाइनली लास्ट में निकाल लिया एफ ऑफ एस का एल इनवर्स इज इक्वल टू 2 sin h t / t। ये आपका एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लॉग वाला, इसमें भी हमने कुछ ज़्यादा अलग से कोई नया काम नहीं किया, हम आपको पहले भी एक दो क्वेश्चन इस टाइप के करवा चुके। बस ये ध्यान रखना, जब भी हम कभी लॉग के क्वेश्चन को स्टार्ट करें हमेशा लॉग के फॉर्मूले से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमेशा फिक्स रहता है कि लॉग के क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर अपने फंक्शन को रख के उसको आगे सॉल्व करना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, RTP भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस करिए। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विश आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।